नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीडी निषाद। दोस्तों आज हम यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग के बाद फिनिशिंग करनी है इस घर की। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपको अंडरग्राउंड वायरिंग की फिनिशिंग में जो स्विच है, साकेट है, जो कोई भी सामान लगता है वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक बाय एक करके यहाँ पे दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे स्विच है, नॉर्मल मॉडल का स्विच है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं ये साकेट है, फाइव पिन साकेट है। फाइव पिन साकेट कहते हैं, कैसे दिखाया जाता है मैं आपको वही बताऊंगा। दोस्तों रेगुलेटर है दोस्तों एक, और ये किस कंपनी का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर कंपनी का है दोस्तों। और यहाँ पे 12 मॉडल का प्लेट है दोस्तों, 12 मॉडल का प्लेट है दोस्तों। ये 18 मॉडल का है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्विच हमने बिठा दिया है इसमें। ये हैंड प्लेट है, सीलिंग रोज है दोस्तों, सीलिंग रोज है देख सकते हैं, क्योंकि साकेट है दोस्तों। एक इंडिकेटर है आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल 2 कपलेट है दोस्तों, मॉडल 3 है, मॉडल 3 है, मॉडल 6 है दोस्तों, 16 एम्पीयर साकेट है। इस तरह से यहाँ पे जो फिनिशिंग होनी है दोस्तों, ये सब मटेरियल इसमें लगना आया है। और हम आपको बोर्ड की वायरिंग कैसे करनी है वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप भी अपने घर की कभी वायरिंग करना चाहें या फिर सीखना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो दोस्तों इन चीजों का सबसे पहले नाम, हर एक आइटम का नाम आपको याद रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब काम करने जाते हैं, पर्चा बनाते हैं, तो हमको वो चीज याद रहनी चाहिए। दुकान में जाके ऐसा नहीं है कि वो दे दो ये दे दो, ऐसा नहीं, आपको नाम याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो आप देखें, अगर देख रहे हैं चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो देखें, और हर एक वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ सीखना को मिलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, हर एक आइटम जो जो यहाँ पे फिनिशिंग में इस घर में लगना है वो आपने देखा। यहाँ पे वायरिंग देख सकते हैं आप किस तरह से हमने किया हुआ है। अक्सर आपने पहले भी देखा होगा कि लोग छील के वायर को छील के यहाँ से डाल के एक सलंग वायर डाल देते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, दिक्कत तब खड़ी होती है जब कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन, दूसरा मिस्त्री आता है, कभी रिपेयर होता है तो वहां पे अगर हमको कोई स्विच बदलनी है तो वहां पे दिक्कत होती है दोस्तों। और चालू लाइट में अगर हम स्विच बदलना चाहते हैं तो वहां पे हमें बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से दोस्तों हम इसको खोल के मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जैसे हमको चालू काम में कुछ काम करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये निकाल लिया और ये एक छेड़ा निकाल दिया, हेलो दोस्तों ये स्विच छुट्टी हो जाती है। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा दोस्तों, ये स्विच निकाल सकते हैं, दूसरा स्विच आपने यहाँ से दूसरा स्विच लगाया या कोई भी आइटम है इस तरह से मिटा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वायरिंग इस तरह से ही करनी चाहिए, ना कि छिलके वायर नहीं डालना है। जो दोस्तों पहले नॉर्मल स्विच आती थी उसकी बात अलग है, मॉडलर स्विच है, मॉडलर प्लेट है, मॉडलर बोर्ड है, तो यहाँ पे इस तरह में आप अगर हाथ भी कहीं टच हो जाता है तो करंट लगने का कोई चांस नहीं रहता है। उस तरह में अगर काम कर रहे हैं कहीं टच हो जाएगा तो करंट लग सकता है, हमको भी कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक से कभी लाइट से लापरवाही बिल्कुल ना करें। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मिस्त्री भी लाइट के आगे धोखा खा जाते हैं, चालू लाइट में काम ना करें। और बहुत और भी मैं चीजों के बारे में आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है अगर लाइट के
काम पे आप हैं, लाइट वाले फील्ड में हैं या मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं। दोस्तों मॉडलर प्लेट से लेकर दोस्तों हर एक आइटम आती है, जैसे कि MCB है, मॉडलर MCB आती है दोस्तों, मॉडलर रेगुलेटर है, मॉडलर स्विच है, मॉडलर साकेट है, मॉडलर इंडिकेटर है दोस्तों। ये सब 2 पिन साकेट है, 5 पिन साकेट है, 6 एम्पियर की स्विच है, 16 एम्पियर की है, 20 एम्पियर की है दोस्तों, स्विच आती है इस तरह से मॉडलर में दोस्तों। ये सभी आइटम का नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइटम सब, इंडिकेटर, रेगुलेटर, स्विच है, साकेट है, हैंड प्लेट है, सीलिंग रोज है, होल्डर है दोस्तों, यही सब फिनिशिंग में लगता है दोस्तों। आप भी अगर इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो सभी चीज़ों का नाम याद रखना होगा। धन्यवाद।